डायल 100 में आज बात सबसे पहले उस वारदात की जिसे सुन आप चौंक जाएंगे। ये वो वारदात है जिसमें तीन पुलिसकर्मियों ने एक महिला को पिस्टल की नोक पर लिया और उसके साथ गैंग रेप कर उसे सड़क पर फेंक दिया गया। सबसे बड़ी हैरत वाली बात तो ये है कि ये महिला कोई आम नहीं बल्कि खुद एक पुलिसकर्मी है। इस सनसनीखेज वारदात को देख आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक गुनाह और तीन गुनहगार। इस बार पीड़ित कोई और नहीं बल्कि खुद महिला पुलिसकर्मी थी और गुनहगार भी कोई और नहीं बल्कि खुद पुलिसकर्मी थे जिन्होंने एक महिला पुलिसकर्मी की असमत के साथ खिलवाड़ कर डाला। सनसनीखेज इस वारदात के बाद अब पुलिस अधिकारियों के भी पसीने आ गए। दरअसल ये पूरी वारदात हुई यूपी में जहां रक्षक ही भक्षक बन गए। दरअसल इटावा से झांसी ड्यूटी करने गई एक महिला कांस्टेबल से उसके साथ के ही तीन सिपाहियों ने चलती कार में गैंगरेप की घटना को अंजाम दे डाला। पीड़िता की शिकायत पर आईजी आशुतोष पांडे के आदेश के बाद इटावा महिला पुलिस थाने में आरोपी सिपाहियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। पीड़िता को अस्पताल में दाखिल कराया गया है। सामने आया है कि इटावा पुलिस लाइन में तैनात महिला कांस्टेबल इटावा से अपनी महिला साथी के साथ झांसी के जलविहार मेले में ड्यूटी करने गई थी। बीते 28 सितंबर को ड्यूटी से लौटते समय तीन पुलिसकर्मियों ने उसे अपनी कार में बिठा लिया और पिस्टल के बल पर गैंगरेप किया। इसके बाद किसी से शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी देते हुए उसे सड़क के किनारे फेंक कर फरार हो गए। पता नहीं कि उसमें थमसम में अपनी गाड़ी से वो लोग क्या हमको पिला दिया ले गए। हमको कोई जानकारी नहीं है। हाँ, चार पहिया की गाड़ी में ले गए थे। उनके साथ रिवाल्वर थी तो गाड़ी पीछे लगी थी। आवाज़ आ रही थी, कह रहे थे 8-10 गाड़ी हैं, ये क्रॉस हो जाने दो। रिवाल्वर ताने थे, बोले कि हम मार देंगे कप्तान से, झांसी वाले कप्तान साहब, और इटावा तक अगर कहीं शिकायत कर दी तो हम मार डालेंगे या हत्या कर देंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। पीड़िता ने दो आरोपी सिपाहियों की पहचान औरैया के राजा भैया और झांसी के सिपाही अजय के रूप में वर्दी पर लगी नेम प्लेट से की है। पीड़िता का कहना है कि ड्राइवर सिविल वर्दी में था इसलिए उसे नहीं पहचान सकी। आरोप है कि पीड़िता झांसी के जलविहार मेले में ड्यूटी करने गई थी। लौटते समय आरोपी सिपाहियों ने उन्हें छोड़ने के बहाने अपनी कार में बिठा लिया। इसके बाद कोल्ड ड्रिंक पिलाया जिससे वह बेहोशी की हालत में हो गई। फिर तीनों ने उसके साथ गैंगरेप किया। वहीं शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी देते हुए सड़क के किनारे फेंक कर वो लोग फरार हो गए। दो सिपाही वर्दी में थे,
इसलिए वह उनके नेम प्लेट से पहचान सकी, जबकि ड्राइवर सादा वर्दी में था। पता चला है कि पीड़िता के माता पिता भी नहीं हैं और अब उसकी बहन भी इस वारदात के बाद काफी डरी हुई है। हालांकि इस वारदात के बाद यूपी पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वो पूरे प्रकरण की पड़ताल में जुटे हैं। रानीपुर जिला झांसी में ड्यूटी करने गई थी, जल विहार जो मेला चल रहा है वहाँ पर 23 तारीख को उन्होंने वहाँ पर अपनी आमद कराई। उसके बाद लगातार ड्यूटी कर रही थी, लेकिन 28 तारीख को उन्होंने बताया है कि दो कांस्टेबल्स के उन्होंने नाम लिए हैं और एक कोई सादा वस्त्र में कोई ड्राइवर था। उनका कहना है कि उन्होंने आरोपित किया है कि उन तीनों ने उनके साथ बलात्कार किया, जिसके संबंध में मैंने तत्काल यहाँ पर उनका मेडिकल कराया और उनको निर्देशित किया गया, क्योंकि घटना झांसी की थी, कि वहाँ जाकर अपना अभियोग पंजीकृत कराएं। परंतु जब महिला कांस्टेबल ने मना किया झांसी जाने से, तो हमने उनका अपने आईजी साहब के संज्ञान में लाकर हमने उनका मुकदमा यहाँ दर्ज कराया है। अभी इस मामले में इटावा महिला थाने में मामला दर्ज कराया गया है, लेकिन अभी किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। इस पूरे मामले ने यूपी में एक बार फिर वर्दी पर दाग लगा डाला, लेकिन हैरत की बात तो ये कि वर्दी पर दाग लगाने वालों ने वर्दीधारी को भी नहीं छोड़ा। फर्स्ट इंडिया के लिए क्राइम डेस्क ब्यूरो रिपोर्ट।